हरे कृष्णा श्री राधे श्याम। आज की वीडियो जो है जिसमें ये बुक दिखाई गई है, ये गौड़िया संप्रदाय का एक तरीके से खजाना जो बोलते हैं ना, वो मुझे मिल गया है। गोवर्धन निवासी सिद्ध श्री श्री कृष्णदास बाबा जी महाराज विरचित। कृष्णदास बाबा जी महाराज कौन? हम भजन गाते हैं ना, जय राधे जय कृष्णा जय वृंदावन, उन्हीं का वही बाबा जी जिनके हम आरती गाते हैं, दीन कृष्ण दासे कोए ए जनो मोरा होए, सिराधा गोविंदा प्रेमे आमी सदा जैनो भाषी, नमो नमो जय तुलसी कृष्ण प्रियासी नमो नमो। और जिनका वो बहुत प्रसिद्ध भजन, जय राधा गिरिवरधारी श्री नंद नंदन अमर वृषभानु दुलारी। उन्हीं बाबा जी महाराज ने एक ग्रंथ की रचना करी, श्री श्री प्रार्थना अमृत तरंगिणी। प्रार्थना अमृत तरंगिणी क्या है? वैसे बाबा जी महाराज ने एक भावना सार संग्रह ग्रंथ भी लिखा है, गुटिका लिखी है। तो ये प्रार्थना अमृत तरंगिणी ये जो ग्रंथ है ना, तो इसमें क्या है, ये हमारे जो महाजन हैं, हमारे जो पदावली कीर्तन हैं, आपको मैं ट्रांसलेट करके एक एक पदावली सुनाता हूँ, तो उन महाजन वो गोविंद दास, वो राधा मनोहर दास, वो बीर बल्लभ दास, वो जदुनंदन दास, उन आचार्यों ने जो प्रार्थनाएं करी हैं, उनकी जो पद पदावलियां हैं, उसका ये संग्रह है। ये पुस्तक जो थी वो हमेशा पहले से ये बंगाली में थी, लेकिन इसका हिंदी अनुवाद हुआ है। हिंदी अनुवाद किसने करा है? एक कर्म संस्था है, कर्म संस्था है, उसने उन्होंने ये छापी है। और ये किसकी कृपा से हुआ है? अंदर हम चलते हैं, बुक को देखते हैं, कितना सुंदर चित्र ये जो बना हुआ है, ये पूरी हमारी सनत कुमार संहिता पे आधारित जो गौड़िया संप्रदाय की परिक्रिया भावपूर्ण जो अष्टायाम होती है, डिटेल में नहीं है, क्योंकि डिटेल में अष्टायाम आपको गुरु अधिकार से ही मिलेगी। ये जैसे गोविंद लीलामृत कृष्ण भावनामृतम काव्यम में है, ये शॉर्ट में है, लेकिन तब भी एक लीला की बुक मेरे पास और है, उसका रिव्यू मैं अगली बार करूँगा, वो भी कृष्णदास बाबा जी महाराज के गुटिका ग्रंथ के आधार पर ही है। कृष्णदास महाराज ने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं, मतलब इकट्ठा करे ग्रंथ लिखे, वो अष्टायाम के ऊपर ही, साधक की साधना के ऊपर ही उनका फोकस गया है। प्रार्थनामृत तरंगिणी हो, भावनासार संग्रह हो, गुटिका हो, तो ये प्रार्थनामृत तरंगिणी जो है, इसमें सारे संग्रह करा गया है। अब देखते हैं हम इसको अंदर से, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, अमेज़ॉन से ली है मैंने ये बुक, आपको अमेज़ॉन पे ये लिंक मैं आपको दे दूंगा, आपको वहाँ से मिल जाएगी। श्री सच्चिदानंद महाराज के मार्गदर्शन में यहाँ पे मूल्य लिखा है, गुरुदेव मीडिया यूट्यूब चैनल है, 2023 छपा हुआ ये श्रीपाद राधा कुंड महंत श्री अनंतदास बाबा जी महाराज और उनके परम कृपा पात्र शिष्य श्री श्री सच्चिदानंदन महाराज। तो इनकी कृपा से, इनका जो गुरु बल है उसकी कृपा से ये ग्रंथ प्रकाशित हुआ है। मेरे लिए तो एक खजाने से ऊपर नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा मुझे पदावली कीर्तन कितना अच्छा लगता है, कितना पसंद है, कि मेरा तो भजन साधन ही वही है। तो ऐसे में ऐसा कोई ग्रंथ मिलना जिसमें सारी कीर्तन इकट्ठा है तो कितना अच्छा है। वैसे एक बात बताऊँ वहाँ से, कि ये पूरा तब भी नहीं है, मतलब प्रार्थनामृत तरंगिणी तो ग्रंथ पूरा है, लेकिन अगर हम इकट्ठा करना चाहें ना जितना चार पद है, इसमें देखिए इसमें बताया गया है सूची, वैसे जितने इतने हैं ना, ये इससे भी ज़्यादा हैं, इससे भी ज़्यादा आचार्य हैं, सबकी इकट्ठा करने जाएंगे तो इस जीवन एक जीवन में तो कोई इकट्ठा कर सकता नहीं है। या तो तब भी उन्होंने इतने सारे, कानू रामदास कृष्णदास गिरधरदास गोपालदास, उसमें भी प्रार्थना वाले पद ज़्यादा हैं, अगर इनके लीला पद वाले करेंगे इकट्ठे तो वो तो फिर रहने से रहे। तो ये बहुत अच्छी पेपर क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसमें
धारा अर्थात अध्याय हैं, इसमें कुल 12 अध्याय हैं। उसमें जो अष्टम नवम दशम अध्याय, इसमें अष्टायाम का वर्णन है। बाकी इस मंगलाचरण प्रथम धारा में सिर्फ प्रार्थनाएं हैं अलग अलग, महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर, शिवासत गौर, भक्तवृंद और षड गोस्वामी के सूचक कीर्तन हैं। श्याम सुंदर से, श्री राधा रानी से, रूप मंजरी, लवंग मंजरी, रति मंजरी, गुण मंजरी, अनंग मंजरी आदि से प्रार्थनाएं करी गई हैं। उसका ये संग्रह है। इसमें बाबा का चरित्र भी दिया गया है, कृष्णदास बाबा महाराज का, उनका चरित्र दिया गया है। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। अलग राग भी बताए गए हैं। सबसे अच्छा तो ये है लगा मेरे को कि इसमें राग इन्होंने बता दिए हैं कि कौन से राग में कौन सा कीर्तन गाना है। जैसे श्री राग में गाया जाएगा, इतोड़ी राग में गाया जाएगा, घरानाटी में कौन सा है, भटियारी में कौन सा है, दानशी में कौन सा है। तो ऐसे राग होते हैं अलग अलग, तो उन सब राग दिए गए हैं। इनसे भी आपको कोई लीला सुनाई जाएगी, देखते हैं आपको सुनाया जाएगा। तो इस प्रकार से कितना सुंदर ग्रंथ है, हार्ड कवर है, प्रार्थनामृत तरंगिणी ग्रंथ का नाम है। तो आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करना, और आप भी बताना आपको चाहिए तो फिर अमेजोन में लिंक मिल जाएगी। उनके लिए ही है भाई, जिनको साधना में रुचि है, इनमें रुचि है। केवल ऐसे नहीं है कि आप सोचेंगे इसमें पढ़ लेते हैं कहानियाँ होंगी, ऐसे किस्से कहानियाँ नहीं हैं। इसमें बड़े अद्भुत रूप से वर्णन करा गया है, चित्री कितना मनमोहक है, पूरी अष्टायाम समय विसारिणी दी गई है। इस प्रकार से ये ग्रंथ है। आपको वीडियो लगी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करना। श्री राधे श्याम, श्री गुरु निताय गौर सतनाथ प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय राधे श्याम।